हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सचिन कुमार और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कि नेट, गेट, जेस, टीआईएफआर, इस तरह के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं उनकी तैयारी कैसे की जाए। तो बेसिकली अगर मैं अपनी खुद की कहानी बताऊं तो मैंने 5 बार नेट एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके साथ जेस्ट में मेरा बहुत बढ़िया रैंक था, उसके साथ साथ टीएफआर एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया। अगर मैं एमएससी की बात करूं तो एमएससी के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा फर्स्ट रैंक था, इसी के साथ साथ मतलब लोकल कई सारी यूनिवर्सिटीज में मैंने फर्स्ट रैंक स्कोर किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा रैंक 23 था। तो जब मैं अपने पास्ट को देखता हूं तो आई फील कि बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पर मैंने बहुत सारी कमियां छोड़ी। तो वो जो चीजें थी, वो जो पॉइंट्स थे, वो गलतियां आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, या मतलब अगर मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिला होता तो आई फील कि मैं और भी अच्छा स्कोर कर सकता था उस जगह पर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये क्वेरी डाली एंड मैंने पोल भी कई सारे किए इससे रिलेटेड कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए या क्या आप ऐसी वीडियो चाहते हैं। तो मैनी स्टूडेंट्स, बहुतों का एक पॉजिटिव रिस्पांस आया कि यस, आप हमें बताएं कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बीएससी में होंगे या एमएससी में होंगे एंड वो जैम के लिए, डीयू के लिए या अदर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो इन सब की तैयारी आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये जो बेसिक है हमारा फंडा, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, मैं आपको 3 अप्रोच यहां पर देने वाला हूं। तो मैंने जैसे तैयारी की, ठीक है, वो एक अलग तरीका था, वो इनमें से एक अप्रोच थी, बट जरूरी नहीं है कि मेरा तरीका सबसे बेस्ट हो, या ये जरूरी नहीं है कि सब स्टूडेंट्स के ऊपर यही सेम तरीका लगाया जाए जिस तरीके से मैं तैयारी कर रहा था। तो इसलिए मैंने यहां पर 3 मेथोडोलॉजीज जो हैं उसको मैंने अडॉप्ट किया है और आपके लिए मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर जो हमारे पास 3 अप्रोच है उसमें से सबसे पहली जो हमारे पास अप्रोच है, दैट इज अ रेगुलर अप्रोच। तो ये रेगुलर अप्रोच जो है, जो कि मैंने देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स के अंदर, बहुत से स्टूडेंट्स इसी रेगुलर अप्रोच को ही अडॉप्ट करते हैं तैयारी के लिए। रेगुलर अप्रोच क्या है, ठीक है कि दे आर यूजिंग सम नोट्स और कुछ कोचिंग सेंटर वो जा रहे हैं और वहां पर जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ कंसेप्चुअल एंड कुछ न्यूमेरिकल नॉलेज उनको मिलती है, तो उसके हिसाब से वो उनको कोरिलेट कर पाते हैं या जितना भी मैक्सिमम कोरिलेट कर पाते हैं उतना वो उसको सीखते हैं। तो ये क्या है, ये आपके पास एक रेगुलर अप्रोच है। इसमें क्या है, इसमें स्टूडेंट्स को मतलब एक मान के चलिए कि 6 महीने का कम से कम एक टाइम पीरियड चाहिए, जिस टाइम पीरियड को वो टोटली डेडिकेट करें अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर वो उसको टोटली डेडिकेट करते हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए रेगुलर अप्रोच के अंदर, तो वो इतना स्टडी मटेरियल अपने दिमाग में भर सकते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर पाए। तो बेसिकली ये जो है एक रेगुलर अप्रोच आपसे टाइम मांगती है, तो एटलीस्ट 6 मंथ्स जो है वो टाइम इसमें रिक्वायरमेंट रहता है रेगुलर अप्रोच के लिए। तो इसके बाद आता है हमारा जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज कि आप कंसेप्चुअल अप्रोच अपना सकते हैं, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बताऊं, मैंने कंसेप्चुअल अप्रोच अपनाई थी क्योंकि वो मेरा नेचुरल वे था, ठीक है। तो मैंने किसी और से गाइडेंस नहीं ली और अपने आप ही कंसेप्चुअल, तो मैं क्या था, मैं न्यूमेरिकल्स पे कम ध्यान दे रहा था जबकि कंसेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान दे रहा था। मैंने फेनमैन लेक्चर सीरीज पूरी पढ़ी, ठीक है, तो ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए, लेकिन उससे मुझे कंसेप्चुअल इतना बिल्डअप मिला कि इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी, तो जब आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेगा, ठीक है। सो उसको हम थोड़ा सा प्रोपोर्शनल ले सकते हैं कि अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो इसका स्कोप बन जाता है कि आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने कंसेप्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, जो कि बहुत कम स्टूडेंट कंसेप्चुअल अप्रोच के थ्रू जाते हैं। बट आई वुड से कि कंसेप्चुअल अप्रोच इज नॉट द बेस्ट अप्रोच, ठीक है, मतलब उसमें न्यूमेरिकल्स का प्रोपोर्शन आपको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे रेगुलर अप्रोच है उसमें क्या है, कंसेप्ट हल्का रहता है लेकिन न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे रहते हैं, तो लेकिन इसमें क्या है, कंसेप्ट ज्यादा रहता है, तो
तो न्यूमेरिकल्स मेरे बहुत कम किए, तो अगर वो सब चीज मैं समझ जाता तो और भी रैंक अभी भी ठीक है, ठीक है तो, बट और भी रैंक इंप्रूव हो सकता था या और भी अच्छा मैं उस उन एग्जाम्स में मैं कर सकता था। एंड फाइनली एक और अप्रोच जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अप्रोच बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो या तो मान के चलिए कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं या वो रेगुलर अभी MSc कर रहे हैं, उसके साथ इसकी तैयारी करना चाहते हैं आपके नेट या गेट या जेस्ट या किसी भी एग्जाम की। तो थर्ड अप्रोच में बेसिकली इसको मैं ये कह सकता हूं कि ये टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या है, ठीक है, एक हो सकती है आपकी बॉटम सब के आप धीरे धीरे कंसेप्चुअल बिल्डअप कर रहे हो और फिर आप एक हाइट पर पहुंचे हो, लेकिन टॉप डाउन अप्रोच में क्या है कि आप स्टार्ट ही दूसरे सिरे से कर रहे हो, कि टॉप से स्टार्ट कर रहे हो। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले जो भी एग्जाम आपने क्वालिफाई करना है उसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर और उसके सॉल्यूशन जुटा लेते। तो ये क्या है, ये आपके पास रिवर्स अप्रोच है। तो इसमें आपने क्या किया कि पूरे के पूरे सभी क्वेश्चन आपने इसमें जुटा लिए, सभी क्वेश्चंस आपने इसमें इकट्ठे कर लिए और उन क्वेश्चंस को इकट्ठा करने के बाद आपने क्या किया, आपने उनको पढ़ना शुरू कर दिया। फिर आपने पढ़ा एक पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर और चार पांच पेपर पढ़ने के बाद आपको समझ आ गया कि ओके इन सब पेपर्स में ये एक कंसेप्ट है जो रिपीट हो रहा है। तो आपने क्या किया, आप फिर चले गए अपनी बुक की तरफ। जो बच्चे वहां सिर्फ रट्टा लगा के छोड़ देते हैं उनके लिए ये अप्रोच किसी काम की नहीं है, फाइन, बिकॉज क्वेश्चन में कोई भी वेरिएशन आएगा आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है कि आपने देखा क्योंकि ये टॉपिक जो है ये इस एग्जाम में रिपीट हो रहा है, ये इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप क्या करते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक को पिक करते हो एंड रिवर्स जाते हो और उसका कंसेप्ट पढ़ लेते हो, फाइन। तो आपको इतना बड़ा सिलेबस नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको उसमें से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में आपको पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल पढ़ो, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के बेस पे आपको समझ आया कि ओके ये बारी बारी पूछा जा रहा है, ये चलो थोड़ा कम फ्रीक्वेंट पूछा जा रहा है तो इससे कनेक्टेड भी है, तो देन आप रिवर्स में जाओगे उसके कंसेप्ट के ऊपर। तो इसको मैंने रिवर्स अप्रोच का नाम दिया है। बेसिकली ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जो मान लीजिए कोई जॉब कर रहे हैं, पैरेलल में तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे, ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने MSc के बाद टीचिंग प्रोफेशन में या किसी और प्रोफेशन में जाते हैं, ठीक है, एंड पैरेलल में अगर वो अपने नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस अप्रोच को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से दे ग्रैब द मैक्सिमम ऑफ द कंसेप्ट्स जो एग्जाम में आते हैं। तो इस तरीके से आई फील कि आप बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, आप किसी भी अप्रोच को यूज कर सकते हैं। रेगुलर अप्रोच जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट अडॉप्ट करते हैं, उसमें आपका क्या है कि आपका जो न्यूमेरिकल्स है और कंसेप्ट्स है वो इक्वली इंपॉर्टेंट लिए जाते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल भी क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो वो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस पे रखते हुए या इवन न्यूमेरिकल्स को हल्का सा ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए वो एक रेगुलर अप्रोच होती है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अडॉप्ट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कंसेप्चुअल अप्रोच, कंसेप्चुअल अप्रोच में आपको फिजिक्स से प्यार है एंड यू डोंट बॉदर कि कोई क्या कह रहा है, क्या कट ऑफ आ रही है वगैरह वगैरह, सो यू जस्ट कंसंट्रेट ऑन कि क्या कंसेप्ट जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, क्या कंसेप्ट आपको आना चाहिए, एग्जाम में आए ना आए, भाड़ में जाए, ठीक है, तो ये आपकी अप्रोच रहती है। तो मेरी ये बेसिकली अप्रोच थी, लेकिन ये अप्रोच सिर्फ एग्जाम के लिए मेरी नहीं थी, मैं अपनी MSc या इवन BSc के टाइम भी इसी अप्रोच से चलता था, इसलिए मेरा कंसेप्चुअल बिल्डअप इतना था कि फर्दर जब मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने फेनमैन लेक्चर सीरीज के तीनों वॉल्यूम पढ़े या और भी ग्रिफिस की क्वांटम कंप्लीट पढ़ी, तो ऐसे ये जो बुक्स मैंने पूरी की पूरी पढ़ी हैं, ये सब बुक्स मुझे तभी हेल्प कर पाए क्योंकि मैं उसका बेस काफी सालों से बनाता आ रहा था। तो 6 महीने में कंसेप्चुअल बिल्डअप नहीं हो सकता है, पर कई स्टूडेंट जो अपना कंसेप्चुअल बिल्डअप करते आ रहे हैं, कीपिंग इन माइंड कि वो न्यूमेरिकल्स को भी वेटेज दें, बिकॉज थ्योरी जो होती है, थ्योरी टेस्ट होती है न्यूमेरिकल से,
एंड जो न्यूमेरिकल्स है फिर वो आपको बताता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा ओके इस चीज का ये मीनिंग है, फिर वो आपके कंसेप्ट को फिर से इंप्रूव करेगा एंड देन कंसेप्ट न्यूमेरिकल इस तरीके से इस साइकिल में चलते हुए आपका जो कंसेप्ट है वो रियली उस तरीके से रिफाइन होगा कि आप उसे अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। एंड फाइनली एक रिवर्स अप्रोच जो हमने डिस्कस किया, बहुत से स्टूडेंट रिवर्स अप्रोच करने की कोशिश करते हैं बट दे डू इट रॉन्ग। तो जब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पेपर्स आपने पढ़े तो रिवर्स अप्रोच में उसको वापस कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा कि कोई क्वेश्चन बारी बारी आ रहा है या कोई क्वेश्चन ओके इस टॉपिक पर थोड़ा सा अलग अलग करके क्वेश्चन बारी बारी आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए उस जगह पर आप अपनी बुक्स फिर से खोलें और वहां पर अपना कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग करें। ओनली प्रीवियस ईयर आपको कुछ क्वेश्चंस तक तो हेल्प कर सकता है, अदरवाइज आपको कोई एग्जाम क्लियर नहीं करवा सकता, तो उसके लिए आपको तैयारी प्रॉपर करनी ही पड़ेगी। कौन सी अप्रोच आपको सबसे बढ़िया लगी या आप अपनी तैयारी के लिए कौन सी अप्रोच चूज करना चाहें तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। I hope you like this. Don't forget to like, share and subscribe. Take care and have a very good day. Bye-bye.